हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.7। चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। इसका क्वेश्चन जो है, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, एफ का जो फंक्शन एक्स। अब हमारे को क्वेश्चन आज जो हम करेंगे क्वेश्चन 10 करेंगे, क्योंकि 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास क्या, एफ ब्रैकेट में एक्स है हमारे पास इक्वल टू एक्स डिवाइडेड में रूट में 1 माइनस कॉस एक्स, और ए की जो वैल्यू दी हुई हमारे को 0 दी है। 2013 में आ चुका है तो इसे हमें करना लाजमी है। जैसे कि हमने क्वेश्चन कुछ अपने रजिस्टर में कॉपी कर लिया है कि तो हमने सॉल्व की हेडिंग डाली। मैंने आपको बार बार बताया कि सॉल्व के बाद आप लाजमी आप क्वेश्चन वापस लिखें, और ये बोर्ड में ये क्वेश्चन डालने की ज़रूरत नहीं है। बस सॉल्व की हेडिंग डालें, क्वेश्चन लिखें और सॉल्व करना शुरू हो जाए। क्वेश्चन हमने दोबारा लिखा, और लिखने के बाद हमने टेकन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है ऑन बोथ साइड किया है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है मतलब हमने यहाँ पे भी इस साइड भी किया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है। ये क्वेश्चन का ऐसे कैसे आ गया, फिजिकल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है, और ये क्वेश्चन हमारे इसी लिख लिया है जो कि हमने फोटो कॉपी कर लिया। अब हमको पता है कि हम ये 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है। फार्मूला आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, इक्वल टू वो वी नो दैट 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। मतलब इसके बजाय हम ये वैल्यू लिख सकते हैं रूट के अंदर, जो कि हमने इसको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखा है। अब हमने ए नहीं लिखा क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 0 गिवन है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ब्रैकेट में एक्स है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ऐसी आ गया ए की जगह, क्योंकि इधर भी ए था तो हमने 0 लिख दिया है, और ये एक्स ऐसी आ गया है, और रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि इसकी जगह हमने के फार्मूला लिख दिया, जो कि हमारे को ये गिवन है फार्मूला हैगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये इक्वल टू का हमने इसको कंटिन्यू आप करिएगा। मैंने यहाँ से सॉल्व करना दिखाया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ऐसे आ गया, एक्स ऐसे आ गया, डिवाइड के साइन डाला, डिवाइड के बाद हमने ये रूट टू को हमने अलग कर लिया, और ब्रैकेट को मतलब रूट के 2 को अलग कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 को हमने अलग, मतलब कि हमने ये क्यों किया है, क्योंकि साइन पर है स्क्वायर, तो मतलब ये होल पर स्क्वायर है, क्योंकि एंगल पे भी आएगा, क्योंकि साइन पर स्क्वायर है ना, साइन जो भी होगा वो साइन के साथ ही होता है, तो हमेशा जब भी साइन पर स्क्वायर हो तो मतलब वो एंगल पे भी होता है, और एंगल पर स्क्वायर हो तो फिर वो साइन पे नहीं होगा, सिर्फ वो एंगल पे होता है। एंगल अलग चीज़ होती है, साइन अलग होता है। साइन पे होगा तो वो एंगल पे भी होगा, मगर तब एंगल पे होगा तब साइन पे नहीं होगा। तो अभी साइन पे हैगा तो मतलब ये मतलब होल पर है, मतलब एंगल पे भी आएगा फार्मूले में ये हैगा, क्योंकि ये आप गलती करते थे बहुत से लोग कि इसको भी कोई कोई 2 को भी इसके अंदर लिख लेता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पे होल नहीं आएगा, क्योंकि साइन ये एक्स और डिवाइडेड बाई 2 ये एंगल है, ये दोनों एंगल है, तो इसकी वजह से इस पर होल आ जाता है, और रूट 2 को हमने बाहर इसलिए निकाला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है। अब हमने इस स्टेप में तो सिर्फ वो रूट को ख़त्म किया है, अब हमने क्या लिखा है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में हमने क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना है, एक्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब एंगल, साइन के एंगल को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। आपको पता है कि एक्स अप्रोचेस टू 0 होता है, जो कि हम गिवन चलते हुए आ रहे हैं, और एक्स डिवाइडेड बाय 2 भी 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू एक्स 0 के बराबर रहेगा, तो 0 से कोई सी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे 0 ही होती है। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 होगी, 0 को 100 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, क्योंकि और एक्स ही 0, तो 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वो उसका इतना मसला नहीं होता, क्योंकि अभी हमारे को जब फार्मूला लगाना होगा तो हमारे को ये लाजमी होना चाहिए एक्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फार्मूले में आपको मैं आगे जाके और सही क्लियर बता दूंगा। एक्स से मतलब जो कोई से 0 से कुछ को भी डिवाइड करेंगे वो 0 होगी, मतलब ये एक्स का अप्रोचेस टू 0 है तो इसके अप्रोचेस टू भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 से किसी को भी चीज़ को डिवाइड करेंगे 0 होगी। हमने डिनोमिनेटर में हमने क्या डिवाइड किया है, एक्स डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड कराया है, और मल्टीप्लाई भी कराया, मल्टीप्लाई ये रहा
और डिवाइड ये रहा नीचे है। अब हमने जो लिखा है लिमिट एक्स अप्रोच, लिमिट एक्स डिवाइडेड बाय टू अप्रोचेस टू जीरो, एक्स का एक ए सी आ गया, रूट टू ए सी आ गया, और ये हमने साइन जो एक्स डिवाइडेड बाय टू और ये इसके नीचे भी डिवाइडेड में एक्स डिवाइडेड बाय टू, ये जो कि हमने डिवाइड कराया वो ये मल्टीप्लाई कराया, ये हमने वर्डिंग लिखी थी, ये हमने सिर्फ ये कराया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कि हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी वन वन आ गया, लिमिट एक्स अप्रोच एक्स डिवाइडेड बाई टू अप्रोच टू ज़ीरो, ये हमने इसके साथ लिख लिया, और ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू ये ए सी आ गया और ये ए सी के ए सी आ गया एक्स डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये तो ए सी चल रहा है, हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस को इसके बराबर इसके साथ कर दिया क्योंकि इस पर फार्मूला लग गए जो कि वन के बराबर होता है, और ये वन ए सी का क्योंकि एक्स कैंसिल हो रहा था तो वन बचा था तो वन का वन आ गया, और रूट टू जो था ना वो हमने इधर लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैल्यू आगे पीछे कर लें कोई मसला नहीं होता, मल्टीप्लाई प्लस में वैल्यू आगे पीछे कर लें कोई मसला नहीं होता, अभी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर लिखा हुआ था हमने इधर कर लिया, कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि अब आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, ये और इसको टू मतलब टू रूट टू क्या होते हैं स्क्वायर, मतलब ये आधे हाफ हाफ हैं, तब इनको हम करेंगे तो इन पर स्क्वायर आ जाएगा, तब इस पर स्क्वायर आएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा टू ही आ जाएगा, इसको मतलब हमने टू को रूट होता है ये हाफ है तो मतलब हमने इसको तोड़ दिया, इसको कैसे ब्रेक किया, अब हमने इसको वन वन करके नहीं तोड़ा बल्कि हमने इसको इस पर रूट लगा दिया, रूट रूट करके मतलब इसको हाफ किया, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया रूट रूट, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि जो दो चीज़ होएंगी तब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टू ही आएगा, तो हमने मतलब इसको ये मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है, रफर करिएगा नहीं आप, इसको हमने रूट लगा दिया इसको, इससे हमने क्योंकि इसको तोड़ा मतलब टू को हमने हाफ ऑफ कर दिया, तो इससे क्यों इसलिए किया क्योंकि इससे एक रूट टू और एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये क्या बचा वन, और ये वन हैगा और वन अपॉन रूट टू है हमारे पास, और ये चीज़ हमारी वन होएगी फार्मूले के लिहाज से, क्योंकि मैंने ये एक्स अपॉन टू जो मैं बार बार बता रहा था मैंने इसलिए किया है क्योंकि फार्मूला जो हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब कि साइन का जो एंगल है एक्स मतलब साइन का जो भी एंगल हो वो उसी से डिवाइड भी हो उसी के अप्रोचेस टू जीरो हो, मतलब कि साइन का एंगल इधर क्या है एक्स डिवाइडेड बाय टू, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी कराया था एक्स डिवाइडेड बाय टू जो कि अपर लाइन आप देख सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कराया था और डिवाइड भी कराया था क्योंकि उसका एंगल भी होना चाहिए, साइन का एंगल ही उसे डिवाइड हो तो एंगल हमारे को इसलिए था नहीं, तो हमने इसको डिवाइड में लिखा है उसके एक्स डिवाइडेड बाय टू जो कि इसका एंगल है, मतलब यही एंगल उसी एंगल से डिवाइड हो जो कि यहाँ हो रहा है, ये सी एंगल से इसी से डिवाइड हो रहा है, और अब हम और इसी अप्रोच उसी के अप्रोचेस टू जीरो, मतलब यहाँ एक्स था तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ एंगल है एक्स डिवाइडेड बाय टू तो मतलब यहाँ पे भी एक्स डिवाइडेड बाय टू ही हमने किया है जो कि हमने सर आपको बता देता है जीरो से कोई सी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे जीरो ही होती है, तो मतलब ये पूरी चीज़ वन के बराबर आ जाएगी फार्मूले के लिहाज से, ऊपर का वन ए सी का ए सी और ये पूरी चीज़ वन हो गई है, और यहाँ ये वन अपॉन रूट टू मतलब ये वन से मतलब ऊपर वाले वन से डिवाइड हो रहा है, सही ऊपर वाले वन से डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड का साइन लगाया, डिवाइड का साइन लिखाया वन अपॉन टू को अलग कर दिया, मतलब ये चीज़ को मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको इधर लिख लिया है कि आपको समझाने के लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि ये वन से डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है वन अपॉन रूट टू मतलब ये पूरी एक वैल्यू है, वन अपॉन रूट टू मतलब कि एक पूरी वैल्यू है, जैसे एक यहाँ कैंसिल हुआ था तो वन यहाँ बचा था और एक्स ऊपर कैंसिल हुआ था तो ऊपर भी वन बचा था, मतलब ये एक पूरी वैल्यू है जो कि वन से डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको नीचे लिखने के बजाय हमने डिवाइड के साइन डाल के इधर कर दिया, और अब हमने डिवाइड के साइन को तब मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो आपको पता है कि पावर पलट जाती है क्योंकि पलट गई और रूट टू के आ गया, और वन से नीचे वन तो मैंने इसलिए दिखाते थे क्योंकि फार्मूले का आया था वन दिखाते नहीं है वैसे, और ये जो रूट टू है ये तब इससे पावर पलटी गई ये मल्टीप्लाई के साइन में, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू आएगा, और ये इसका आंसर भी यही है, मैं आपको बुक में चेक करवा देता हूँ, हमने जो किया है एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन 10 किया है 2013 में आ चुका है, और इसके अंदर हम देख सकें एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन 10 रूट टू आंसर आ रहा है, जो कि हमारा भी आंसर रूट टू आ रहा है, मतलब कि हमने सॉल्यूशन सही किया और हमारा आंसर भी सही आ रहा है। गाइस अगर आपको कोई
वीडियो हमारे समझ में नहीं आया करें तो आप हमारे को कमेंट में बता दिया करें कि हम आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें, और जो सवाल आपसे नहीं हो रहे वो आप हमारे को कमेंट में करें, हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे करवाने की। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया, क्योंकि इन खिलाने से फैलता है। और ये है कि आपको कोई से भी सवाल समझना हो तो हमारे को कमेंट में बता दिया करेगा, क्योंकि हम आपको वो करवा सकें। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।